हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक डोसा लेकर आई हूँ, स्पेशल डोसा। और बहुत ही हेल्दी डोसा है दोस्तों। और कैसे बनाते हैं, आज किससे बनाते हैं मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये है लौकी, और लौकी का डोसा बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। तो आज मैं लौकी लेकर आई हूँ और लौकी से डोसा बनाऊंगी। आपको जो भी घर पे बीमार रहते हैं, लौकी खाना नहीं मांगते हैं बच्चे लोग, तो आप सोचते हैं कि लौकी को हम कैसे खिलाएं जो बच्चे लोग खाएं। तो आप लौकी का डोसा बनाएं, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। लौकी का जूस भी उसी में चला जाएगा। और आप डोसा बनाओगे, बच्चे लोग आराम से खाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी खाएंगे, बड़े चाव से खाएंगे। तो कैसे मैं डोसा बनाऊँगी कि क्या क्या इसमें डालूंगी, आप चाहे तो डोसे के ऊपर भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे गाजर हुआ, बीट हुआ, उससे भी और हेल्दी बन जाएगा डोसा। तो मैं कैसे डोसा तैयार करती हूँ और इसके साथ क्या सर्व करती हूँ, इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, सारा डिटेल्स इस वीडियो में ही होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फिर देर ना करते हो, हम बनाते हैं लौकी का डोसा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले चावल को भिंगोएंगे। यहाँ चावल मैं 3 कप ली हूँ चावल, और इसको हम भिंगो दिए हैं। और 1 कप दाल ली हूँ, उड़द की दाल, और इसको भी हम भिंगो दिए हैं। दोनों को मैं रात को भिंगो दी थी, और सुबह इसको हम लौकी के साथ पीसेंगे। तो ये देखिए लौकी है, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लौकी में हाफ टुकड़ा ली हूँ, और इन सबको अच्छी तरह से धो के हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो इस तरह से मिक्सी में हम पीस रहे हैं, इस तरह से इसका बैटर है। और बैटर की क्वांटिटी देखिए कितना है, इतने ही गाढ़ा हमको करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। जब आप दाल और चावल पीसोगे लौकी के साथ, तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखना है। और इसको अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद हम इसमें नमक मिला लेंगे, और 3-4 घंटा हम सुबह में इसको ऐसे ही रख देंगे। जैसे 6 बजे हम पीसे हैं, तो हम 9 बजे बनाएंगे। और तेल में कढ़ाई तवा हम चढ़ाएंगे, डोसा वाला तवा, और इसमें तेल अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे, और धीरे धीरे हल्के हाथों से फैलाएंगे। ना ही ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला। देखिए इसमें बबल्स निकल गए हैं कितना अच्छा से। अब इसके चारों तरफ से हम तेल लगा लेंगे। अगर गर्मी की सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में इसी तरह से बनाएं, सुबह पीस कर रख दीजिए 6 बजे, और 9 बजे इसको बनाएं। और इसको हम धीरे से हम पलट देंगे। आप चाहे तो वेजिटेबल भी, जैसे हुआ गाजर, प्याज, ये सबको बारीक काट के इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा से पलट गया है, अपने से ये छूट भी गया था, तवा में चिपका भी नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह मैं सारे डोसा को बनाऊँगी। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. We're coming to win it.